अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन। आज हमारे पास जो जेंडर स्टडीज सीरीज है जो हमने स्टार्ट की है उसका लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, क्वेयर थ्योरी को। ठीक है, अब ये क्वेयर थ्योरी, इसका जो हमारे पास जो थीम है उसको डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज क्वेयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वेयर। तो क्वेयर हमारे पास एक्चुअली में क्या है, क्वेयर क्वेयर का कंसेप्ट अगर क्लियर कर रहे हैं तो क्वेयर मीन्स समथिंग अनयूजुअल, समथिंग वेरी स्ट्रेंज, कुछ गैर मामूली या गैर फितरी जो आपको नजर आए उसको आप क्या वर्ड यूज करते हैं उसके लिए क्वेयर। ठीक है, तो ये थ्योरी अपने नाम से ही एक तरह से आपको एक एक्सप्लेनेशन, एक हिंट दे रही है कि इसमें किसी अनयूजुअल या अनरियलिस्टिक चीज के बारे में बात हो रही है जो कि हमारे सोसाइटल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, जो कि हमारी जो बाइनरी क्लासिफिकेशंस हैं हमारी मेल फीमेल कैटेगरीज की, उनके साथ ये थोड़ा सा हटकर किसी प्रॉब्लम को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। अब प्रॉब्लमटाइजिंग द कैटेगरी ऑफ सेक्स, इसकी अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो प्रॉब्लमटाइजिंग द कैटेगरी ऑफ सेक्स एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पे चैलेंज किया जा रहा है। प्रॉब्लमटाइजिंग द कैटेगरी ऑफ सेक्स, ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पर चैलेंज किया जा रहा है कि जो अजम्पशन है सेक्स की वो क्या है कि ये एक फिक्स्ड या बायोलॉजिकल बाइनरी कंसेप्ट है। ठीक है, ये हम क्या कहते हैं कि जो सेक्स है वो क्या है, इधर मेल और फीमेल और एनी ट्रांसजेंडर, हम सिर्फ इस बारे में बात करते हैं कि इन्हें फिक्स किया जाता है कि ये मेल है ये फीमेल है और दे आर ट्रांसजेंडर्स और गे एनीथिंग, हम उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये इस कंसेप्ट को जो है वो चैलेंज करती है, क्वेयर थ्योरी इस चीज को प्रॉब्लमेटाइज करती है, इसको चैलेंज करती है कि एक्चुअली में जो ये हमारे पास बाइनरी कंसेप्ट्स हैं, जो बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, जो फिक्स टर्म्स हम यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली में सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं। ठीक है, और ये जेंडर, सेक्चुअलिटी, रेस, कल्चर, इन सब के साथ जो है वो इंटरसेक्ट करती है। अब ये जो पर्सपेक्टिव है प्रॉब्लमेटाइजिंग द कंसेप्ट ऑफ कैटेगरी ऑफ सेक्स का, वो एक्चुअली में आर्ग्यू करता है इस चीज़ के ऊपर कि जो एक ट्रेडिशनल नोशन है हमारे पास, जो ट्रेडिशनल नोशन है कि जो है वो सेक्स जो है वो एक नेचुरल है या अनचेंजिंग फैक्टर है, जो मेल है बाय बर्थ वो मेल है, जो फीमेल है बाय बर्थ वो फीमेल है, इफ़ एनी वन इज ट्रांसजेंडर और थर्ड जेंडर तो वो बाय बर्थ ही थर्ड जेंडर है। लेकिन ये क्या कहती है कि इस ये जो है वो ओवर सिंप्लीफाइड किया गया है। क्वेयर थ्योरी क्या कह रही है कि ये कंसेप्ट जो है वो ओवर सिंप्लीफाइड किया गया है और ये सब के सब जो है वो ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटीज की गई हैं, ह्यूमन एक्सपीरियंस में कॉम्प्लेक्सिटीज पैदा की गई हैं, एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ठीक है, जिस तरह कि हम अपनी सोसाइटी में कहते हैं कि किसी का जेंडर डिटरमिन करते हैं कि अगर ये मेल है जिस तरह क्या बाय बर्थ इफ हिज मेल देन ही इज मेल, अगर फीमेल है तो इज शी इज फीमेल, लेकिन ये जो है ये कंसीडर नहीं करती है। ये क्या कहती है कि अगर कोई बॉर्न है बाय बर्थ है तो वो जस्ट उसकी एक रिप्रोडक्टिव या सेक्सुअल एनाटॉमी है कि उसके जो ऑर्गन्स हैं वो उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ही इज शी इज फीमेल और ही इज मेल। लेकिन ये कहता है कि जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं वो उसको प्रेशराइज करते हैं किसी जेंडर को या उसकी सेक्चुअलिटी को, जबकि बायोलॉजिकली ऐसा जो है वो बस मीन्स सेक्स जो है वो जस्ट बायोलॉजिकली ये टर्म कर रहा है, एक सेक्स को बता रहा है, लेकिन इन सोसाइटी में अगर एक देखा जाए तो ये एक ह्यूमन का अपना राइट है, एक इंसान का अपना राइट है वो अपने आप को किस कैटेगरी में जो है वो नॉर्मलाइज करना चाहता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये थ्योरी जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटाइज कर देती है जो सेक्स की कैटेगरी है, जो कि हमारे पास एक नॉर्मल एक सोसाइटल नॉर्म है उसको ये थ्योरी जो है वो कैटेगराइज कर देती है। जिस तरीके से यहाँ बताया जाए, क्वेयर थ्योरी ऑफर्स इनसाइट इनटू हाउ द कंसेप्ट ऑफ सेक्स इज सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड हाइलाइट्स द फ्लूडिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन सेक्चुअलिटी। यानी कि क्वेयर थ्योरी जो है वो इस बारे में डिस्कस करती है कि जो सोशली कंस्ट्रक्टेड हाइलाइट्स हैं या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं ह्यूमन सेक्चुअलिटी की, अगर मेल है तो ही मस्ट बी हार्ड वर्किंग, कोई टफेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट काम जो है वो मेल्स करेंगे, फीमेल्स हैं तो वो सिंफ नाजुक है, वो थोड़े लो लेवल के काम करेगी, वो हार्ड वर्किंग तो हो सकती है, मीन्स जो ज्यादा मैस्कुलिनिटी वाले काम से वो फीमेल्स नहीं कर सकती हैं, तो ये इस चीज के थोड़ा सा अगेंस्ट जाती है थ्योरी। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये कुछ और कॉन्सेप्ट्स को भी अपने पास ऐड करती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं अभी।
जो कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमारे पास ये थ्योरी प्रॉब्लमेटाइज कर रही है या उनको सेक्स को डिटरमाइन करने में ये बता रही है कि ये एक्चुअली में ऐसा नहीं, इसे हम एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली क्वेर थ्योरी की जो थीम है वो आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। ये थ्योरी जो है वे प्रॉब्लमेटाइज कर रही है सेक्स की कैटेगरी को। ठीक है, ये दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इस चीज को प्रॉब्लमेटाइज कर रही है कि इधर मेल फीमेल ये सब के सब जो है वो सोसाइटल नॉर्म्स या सोशली कंस्ट्रक्टेड जो है वो नॉर्म्स हैं, एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ठीक है, ये इन कॉन्सेप्ट को जो है एक तरह से चैलेंज करती है। ठीक है, ज्यादा ये रिवॉल्व कर रही है, आप ये थोड़ा सा पॉइंट अपने माइंड में रखिएगा, ज्यादा जो है ये रिवॉल्व करती है LGBT के अराउंड। ठीक है, अब अगर हम इसके जो कुछ की पॉइंट्स हैं प्रॉब्लमटाइजिंग दी कैटेगरी ऑफ सेक्स के अगर देखें तो सबसे पहले असेंशियलिस्ट व्यूज ऑफ सेक्स हैं। जो ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है सेक्स की वो क्या है कि बहुत से असेंशियल पर्सपेक्टिव्स हैं जो कि ये पजल करते हैं कि सेक्स जो है वो सोलेली डिटरमाइन कैसे हो रहा है कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। जिस तरीके से मैंने आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देते हुए बताया कि कोई अगर मेल है या फीमेल है तो वो जस्ट उसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। ये थ्योरी क्या कहती है कि क्या है, सेक्स इज डिटरमाइंड सोलेली बायोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और क्रोमोसोम्स। जिसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या ह्यूमन क्रोमोसोम्स हैं तो वही चीज डिटरमाइन करती है कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, और इससे जो है वो क्लियरली जो है वो मेल या फीमेल की डिवीजन हो जाती है। और ये सिर्फ किस चीज के अंदर रिवॉल्व कर रही है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ये सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर है जो कि उसको मेल या फीमेल बना रहा है। ठीक है, अब सेकेंडली जो है दूसरा की पॉइंट इस थ्योरी का हमारे पास क्या है, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ सेक्स। क्वीर थ्योरी किस चीज को चैलेंज करती है कि जो सेक्स है वो सोशली डिटरमाइंड बाय बायोलॉजी। उसी पॉइंट के ऊपर कर रही है कि जो सेक्स है वो सिर्फ टोटली बायोलॉजिकली डिटरमाइंड है। ये आर्ग्यू क्या करती है कि जो जेंडर है, जो सेक्स लाइक जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर हिस्टोरिकल एंड सोशल फैक्टर्स। ठीक है, द कैटेगराइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इन टू डिस्टिंक्ट बाइनरी सेक्सेस इज सीन एज अ सिंप्लीफिकेशन दैट डजंट कैप्चर द डायवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी एंड सेक्चुअलिटी। ये इस चीज को जो है वो एक बाइनरी सेक्सेस जो हैं उनको इंडिविजुअली डिस्टिंग करती है और कहती है कि हमारे पास जो मेल मेल है या फीमेल है वो उनकी जस्ट वो अपनी ह्यूमन बायोलॉजी या सेक्चुअलिटी के बिना पर है। ये इस पॉइंट को जो है करती है डिस्कस। हमारे पास काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक पॉइंट ऑफ व्यूज देती है, जो हमारे पास सोसाइटल नॉर्म्स है मेल या फीमेल कैटेगरीज के, उनसे थोड़ा सा हटकर उनको ये चैलेंज करती है। अब इंटरसेक्स एंड वेरिएशन, देन एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरसेक्स इंडिविजुअल्स हु पजेस बायोलॉजिकल वेरिएशंस दैट डू नॉट फिट स्ट्रिक्टली विद इन मेल और फीमेल कैटेगरीज चैलेंजेस द बाइनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्स। ठीक है, जो इंटरसेक्स इंडिविजुअल्स हैं जो कि बायोलॉजिकल वेरिएशंस हैं जो कि स्ट्रिक्टली मेल या फीमेल कैटेगरीज में इन्वॉल्व नहीं होते, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, हमारे पास जो ट्रांसजेंडर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये चैलेंज कर रही है कि आप उनका सेक्स किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो या उन्हें किस कैटेगरी के अंदर डाल सकते हो। तो ये जो इंटरसेक्स पीपल्स हैं, ठीक है, इनके अंदर एनाटॉमिकल क्रोमोसोमल हार्मोनल काफी डाइवर्सिटी होती है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते हैं, तो लिमिटेशंस ऑफ रिजिड सेक्स। अब इससे जो है वो क्या होता है, यहाँ पे इनका पॉइंट ऑफ व्यू एक तरह से थोड़ा करेक्ट वे में आ जाता है कि जो आपके पास फिर थर्ड जेंडर आ रहा है जो इंटरसेक्स है या जो वेरिएशन आ रही हैं क्रोमोसोमल बायोलॉजिकली, तो उन्हें आप फिर किस कैटेगरी में इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, ये इसके ऊपर एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना देता है कि इसके ऊपर क्वेश्चनिंग करती है क्वेर थ्योरी हमारे पास। अब जो कल्चरल वेरिएशंस हैं उसमें भी डिफरेंट कल्चर जो है वो सेक्स को डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास किस तरीके से इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि डिफरेंट कल्चर्स हैव डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स, डिफरेंट कल्चर्स हैविंग डिफरेंट डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, जो कि दोनों कैटेगरीज को डिफरेंट तरीके से जो डिटरमाइन करते हैं, मेल के लिए अलग तरीके से, फीमेल के लिए अलग तरीके से। ठीक है, जिसमें बाइनरी नॉन बाइनरी थर्ड जेंडर आइडेंटिटीज को जो है वो मेल या फीमेल बाइनरी से एक बहुत ही अलग कैटेगरी में ले लिया जाता है कि जो थर्ड जेंडर है उसे थर्ड जेंडर कंसीडर किया जाता है, वो ना तो मेल्स में आता है ना फीमेल्स में आता है।
ठीक है, ये कल्चरल वेरिएशंस हैं, इनको क्वेश्चन करती है क्वेर थ्योरी। अब फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, सोशल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। जो सोशल डिटर्मिनेशन है, सोशली सेक्स को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, तो क्वेर थ्योरी क्या कहती है कि जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं सेक्स के, जैसे कि जो जेनिटेलियाज हैं, ये क्रोमोसोम्स हैं, मीन्स जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ये जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं जो है वो, मतलब उनके बारे में कहती है कि जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं वो तो एक सेपरेशन दे रहे हैं, ठीक है, वो तो एक सेपरेशन दे रहे हैं किसी जेंडर की या सेक्स की, एक सेपरेशन दे रहे हैं कि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या जो क्रोमोसोम नंबर्स हैं वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये मेल है या फीमेल है, लेकिन इसके साथ साथ ये सब कुछ है वो सोशली इंटरप्रेट भी होता है, ठीक है, सोशल नॉर्म्स भी इसके ऊपर अफेक्ट करते हैं, कल्चरल या सोशल कॉन्टेक्स्ट हो गए, ठीक है, जो कि अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पे भाई हम कह सकते हैं कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है या फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जो सोशल नॉर्म्स वहाँ चल रहे हैं, जहाँ पे जो डिफरेंट पावर डायनेमिक्स हैं, जो आइडियोलॉजीज हैं, वो सब चीज़ें भी जो है वो सेक्स को डिटरमाइन करती हैं, सोशल सोशली डिटर्मिनेशन होती है सेक्स की, ठीक है। अब सिक्स पॉइंट ऑफ व्यू जो यहाँ पे ये दे रही है वो क्या दे रहा है, फ्लूडिटी या फिर कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, ठीक है। अब फ्लूडिटी को अगर आप कह रहे हैं तो फ्लूडिटी मीन्स क्या है कि जो सेक्स ये जेंडर है, फ्लूडिटी को अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज फ्लूडिटी, ठीक है, फ्लूडिटी के बारे में जो बात हो रही है तो फ्लूडिटी को ये कह रहा है कि फ्लूडिटी जो है वो, इसमें जो सेक्स है ये जेंडर है वो बाइनरी फिक्स नहीं होता है, ठीक है, ये एक मतलब कि एग्जिस्ट होता है कंटिन्यूम के तौर पर, इंडिविजुअल कोई भी पर्सन है आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं, मीन्स के किसी भी कैटेगरी में, ठीक है, जो जेंडर या सेक्चुअल आइडेंटिटी है वो चेंज हो सकती है, फ्लूडिटी जो है वो अडेप्टेबल है, मीन्स थोड़ी सा वियर्ड लगता है इस तरह का बिहेवियर हमें, मीन्स कोई अगर मेल है उसको बहुत ज़्यादा शौक है या वो बहुत ज़्यादा फीमेल्स के दरमियान रह रहा है या उसके एक अंदर से उसका इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा मेकअप मॉडलिंग ETC इन किस्म की चीज़ों में, तो वो अपना गेटअप या अपना स्टाइलिंग जो है वो इस तरीके से चेंज कर लेता है, हैं तो वो मेल ही, दे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर मेल, दे हैव जेनाइटल्स, ठीक है, दे हैव मेल क्रोमोसोम्स, लेकिन वो अपनी अडेप्टेबिलिटी जो है वो चेंज कर रहे हैं, फ्लूडिटी मीन्स अडेप्टेबिलिटी, एक फ्लो के साथ, एक जिस तरीके से एक फ्लूइड है ना वो एक बहता चल जाता है, उसके अंदर आप कुछ डिसॉल्व करोगे तो उसके अंदर मिक्स हो जाता है, तो इसी तरीके से फ्लूडिटी मीन्स अडेप्टेबिलिटी, एक ऐसी कैटेगरी कि जिसमें जो भी जेंडर है, इधर मेल और फीमेल, बहुत सी फीमेल्स हैं जिन्हें थोड़ा ऐसे अपने आप को मेल कंसीडर करती हैं, उनकी ड्रेसिंग जो है वो बिल्कुल मेल स्टाइल्स में होती है, उनका बात करने का स्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल मेल्स के तरीके से होता है, उसी अंदाज में बात करते हैं, मीन्स बेसिकली जेनेटिकली सेक्चुअली या उनके जेंडर जो है वो इधर मेल और फीमेल है, लेकिन वो इस चीज़ को अडेप्ट कर रहे हैं या इस चीज़ को एवॉल्व करते जा रहे हैं टाइम के साथ, तो वो कहलाती है इनकी फ्लूडिटी। और कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है कि इसमें एक इंडिविजुअल के अंदर जो है वो डिफरेंट आइडेंटिटीज आती हैं जो उनका उनकी सोसाइटल नॉर्म्स उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि मतलब कि एक बंदा एक फीमेल ही है, ठीक है, एक फीमेल ही है, लेकिन अगर वो फीमेल जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है या हमारे पास जिस तरीके से एक रिक्शा चलाना है, एक ये अब नॉर्म आ गया है कि चलो एक ऑटो रिक्शा है या ड्राइवर्स जो है वो फीमेल टैक्सी ड्राइवर्स भी हैं, लेकिन पहले इस तरीके से अब से कुछ साल पहले देखा जाए तो ये एक नॉर्म नहीं था, मेल्स ही टैक्सी ड्राइवर्स होते थे या मतलब जो इस किस्म की आप जगहों पर देखें तो ज़्यादा मेल डोमिनेंट ही था, यहाँ पर मेल ही काम करते थे, लेकिन अब इसमें जो एक फीमेल कैरेक्टर है तो वो फीमेल ही, वो किसी तरीके से इन्वॉल्वमेंट भी किसी के नहीं दे रहा, लेकिन वो एक मर्दाना या मैस्कुलिनिटी अपने अंदर लेकर आ रही है वो औरत और वो काम कर रही है, ठीक है, या फिर एक मेल है वो है तो मेल ही, लेकिन वो अपने अंदर जो है वो एक फेमिनिटी लेकर आ रहा है, लाइक हमारे पास जो मॉडल्स वगैरह हैं या फिर डिफरेंट जो वर्कर्स हैं शॉप्स पे जो काम कर रहे हैं वो मतलब कि फीमेल्स के लिए वर्किंग कर रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं, तो वो अपनी उसी जेंडर कैटेगरी में ही, लेकिन वो जो है वो अंदर थोड़ी सी उनके अंदर एक डिफरेंट दूसरे जो जेंडर है, दूसरा जो सेक्स है उसकी अडेप्टेबिलिटी उनके अंदर आ रही है और वो अपने आप को जो है या तो अलाइन कर रहे हैं या फिर अलाइन नहीं कर रहे जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस हैं या नॉर्म्स हैं उनके साथ, ठीक है। क्वेर थ्योरी रिकॉग्नाइजेज द फ्लूडिटी
and complexity of human sexuality and challenges the idea of fixed or static sexual categories. Means ki aapas mein intersect kar raha hai, challenge kar raha hai jo fixed static sexual categories hain ki male ne ye karna hai, ek masculine gender jo hai usne ye karna hai aur ek female jo hai, ek feminine gender jo hai usne ye karna hai. Lekin fluidity aur complexity jo hai wo is cheez ko challenge kar rahe hain aur individually jo hai inke experiences jo hai wo different hain jo ke ek jo societal expectations ya norms hain unke sath align nahi kar rahe hote. Theek hai, ab 7 jo hai wo kya hai, intersection with gender. अब इंटरसेक्शन विद जेंडर जो है वो क्या करता है कि ये रेफर करता है इस चीज को कि जो जेंडर है वो इंटरसेक्ट कर रहा है या इंटरैक्ट कर रहा है डिफरेंट सोशल कैटेगरीज के साथ, यानी कि जो माशर्ती रवायात चल रही हैं, जो एक क्लास है, रेस है, सेक्सुअलिटी है, डिफरेंट एबिलिटीज हैं, उनके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है अगर कोई जेंडर. ठीक है, ये एक इससे क्या होता है कि एक यूनिक एक्सपीरियंस आता है. जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है या प्रिविलेज है वो भी डेवलप होता है. अब इसको देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या डिस्कशन की गई है. जो क्वीर थ्योरी है वो क्या एम्फेसाइज करती है, इंटरकनेक्शंस ऑफ सेक्स एंड जेंडर. ठीक है, इंटरकनेक्शन है सेक्स एंड जेंडर का. सेक्स और जेंडर का जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बिल्कुल अपने फर्स्ट लेक्चर में भी क्लियर किया था कि जेंडर जो है उसमें हम सबको इन्वॉल्व कर रहे हैं, इधर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर्स, गेज, कोई अपना जो उसकी मैस्कुलिनिटी है वो फेमिनिटी की तरफ डाइवर्ट करना चाह रहा है या कोई फेमिनाइन है उसकी मैस्कुलिनिटी की तरफ डाइवर्ट करना चाह रहा है, तो वो सब कुछ है वो जेंडर में आते हैं. ठीक है, हर एक जेंडर कैटेगरी. और सेक्स जो है जो कि टिपिकली बाय बर्थ जो उसके जो क्रोमोसोम्स हैं या उसकी जो सेक्सुअलिटी है वो ये डिस्क्राइब कर रही हो, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ये डिस्क्राइब कर रहे हो कि ये मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, ये डिस्क्राइब कर रहे हो. तो इन दोनों चीज़ों का जो आपस में इंटर कनेक्शन है वो क्वीर थ्योरी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज करती है. ये हाईलाइट क्या करती है कि कोई भी जेंडर जो है उसकी आइडेंटिटी या उसकी एक्सप्रेशंस जो हैं वो ट्रेडिशनल सेक्स कैटेगरी के साथ ट्रांसेंड कर सकते हैं. ठीक है, जो कि अब उससे क्या होता है कि जो बाउंड्रीज हैं, जो कि अभी हमने बताई कि एक बाउंड्री जो फर्स्ट लेक्चर में आपको मैं डिस्क्राइब की थी और जो एक नॉर्मल कंसेप्ट है बाउंड्री का कि मेल या फीमेल, ट्रांसजेंडर, ये इन बाउंड्रीज को जो है वो आपस में ब्लर कर रही है. ठीक है, कोई अगर मेल है उसके फीमेल से इंटरेस्ट है तो उस चीज को अडॉप्ट करता है, कोई अगर फीमेल है उसके जो है वो मेल्स वाले इंटरेस्ट है तो वो उनको अडॉप्ट कर सकती है. इसके अलावा जो है हेट्रोसेक्चुअलिटी या होमोसेक्चुअलिटी को ये प्रोमोट करती है काफी ज्यादा इस कंसेप्ट को, कि ये इस चीज को बिल्कुल एक नॉर्मलाइज के तौर पर लिया जाता है कि अगर फीमेल जो है वो फीमेल में इंटरेस्टेड है तो ही कैन मेक शी कैन मेक कपलिंग विद हर, और एनी मेल इंटरेस्टेड विद एनी अदर मेल ही कैन कपल विद हिम. तो इस किस्म की चीजों को जो है बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करती है और जो कैटेगरीज हैं सेक्स और जेंडर्स की उन्हें ये बहुत ज्यादा ब्लर कर देती है. तो ये प्रॉब्लमटाइजिंग कंसेप्ट ही आप कह सकते हैं कि जो जेंडर का या सेक्स के बारे में जो एक नॉर्मल सोसाइटल कंसेप्ट है उसको ये प्रॉब्लमटाइज कर सकती है. ठीक है, उसके अलावा इंटरसेक्चुअलिटी में जो है आप ये चीज भी कह सकते हो कि जो जिस तरीके से एक आप सोसाइटल तौर पे अगर देख रहे हैं तो एक पर्सन है, ठीक है, एक उसका फेस कलर थोड़ा सा चेंज है तो उसको बहुत ज्यादा रेसिज्म फेस करना पड़ेगा, सेक्सिज्म फेस करना पड़ जाता है, काफी चीजों में उसको जो है वो एक डिफरेंट तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है. ठीक है, जो कि क्या करती है, उससे भी एक इंसान जो है वो डिस्क्रिमिनेट होता है और वो दूसरी कैटेगरीज की तरफ जाने की कोशिश करता है. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सोसाइटल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे. अभी यहाँ पे हम जस्ट इस चीज़ को एम्फेसाइज या इस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वेर थ्योरी एक्चुअली में रिवॉल्व किसके अराउंड कर रही है. ठीक है, अब अगर हम इसको समराइज करें कि क्वेर थ्योरी जो है वो एक्चुअली में किस तरीके से समराइज कर सकते हैं, तो क्वेर थ्योरी कुछ अगर वर्ड्स में डिफाइन करें हम इसको, तो ये बेसिकली क्या करती है, जो जेंडर है और सेक्सुअलिटी है ये क्या कहती है कि ये फिक्स्ड या बाइनरी नहीं. ठीक है, जेंडर या सेक्सुअलिटी ये फिक्स नहीं है, ये एक फ्लेक्सिबल है, एक पर्सन की अपनी एक चॉइसेस हैं, उसके अपने अपनी एक इंटेंशंस हैं कि वो अपने चैलेंजेस को, सोसाइटल नॉर्म्स को, डिस्क्रिमिनेशन को जो है वो किस तरीके से फिट करता है या
अंदर फिट हो रहा है, जो ट्रेडिशनल मेल फीमेल या गे कैटेगरीज हैं उनमें फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उसमें अपने आप को किस तरीके से मर्ज करता है या किस तरीके से उसमें से अपने आप को जो है वो इंटरसेक्ट कर लेता है। ठीक है, क्वेर थ्योरी प्रॉब्लमटाइजेस द कैटेगरी ऑफ सेक्स बाय रिवीलिंग इट्स सोशल कंस्ट्रक्शन एंड चैलेंजिंग एसेंशियलिस्ट अंडरस्टैंडिंग्स। इट रिकॉग्नाइजेस दैट सेक्स इज नॉट सोलली डिटरमाइंड बाय बायोलॉजी बट इज शेप्ड बाय कल्चरल। ठीक है, जो सेक्स है वो सोलली सिर्फ बायोलॉजिकली डिटरमाइन नहीं हो रहा है, ठीक है, बल्कि ये इसको कल्चरल या हिस्टोरिकल सोशल फैक्टर्स भी जो है वो उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं और वो उनसे भी डिटरमाइन किया जा सकता है। ठीक है, जो अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन सेक्चुअलिटी की, उसकी जो डाइवर्सिटी है और उसकी जो इंक्लूसिविटी अप्रोचेज है सेक्स और जेंडर की, ये उनको प्रोमोट करता है। ठीक है, अब होपफुली आपको क्वेर थ्योरी का कंसेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। ये हमारी लेक्चर सीरीज जब कंप्लीट हो जाएगी तो मैं ये तमाम टॉपिक्स आपको इन द फॉर्म ऑफ नोट्स या कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे भी एक्सप्लेन कर दूंगी। इंशाल्लाह बहुत बेटर तौर पे आपको ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सीरीज में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।